बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स का चैप्टर नाइन, दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो बच्चों अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो जहाँ पर रहते हैं उस सराउंडिंग को हम हैबिटेट के नाम से जानते हैं। हमने एक्टिविटी वन के बारे में भी पढ़ा था कि डिफरेंट प्लेसेस पर हमें डिफरेंट तरह के प्लांट्स एनिमल्स देखने को मिलते हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स कुछ ऐसे करेक्टर अपने अंदर ऐड कर लेते हैं जो उन्हें उस एनवायरनमेंट में रहने योग्य बनाते हैं, और इन जब वो इन करेक्टर्स को ऐड करते हैं तो यह कहलाता है अडेप्टेशन। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सी एंड डेजर्ट एनिमल्स। तो बच्चों द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस टू रीजन, इजंट इट। तो बच्चों जैसे सी होता है समुंदर, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, तो इन दोनों एरिया में जो जीव रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो बिल्कुल अलग होंगे। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, अ कैमल एंड अ फिश। तो पहले हम जो दो एग्जांपल लेते हैं, एक कैमल के लेते हैं जो पर्टिकुलरली हमें रेगिस्तान में देखने को मिलता है, और दूसरी फिश को लेते हैं जो पानी में हमें हमेशा देखने को मिलती है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। अब कैमल इतनी गर्म एरिया में कैसे रह पाता है? कुछ ना कुछ अडेप्टेशन उसने अपने अंदर की है, कुछ नए करेक्टर ऐड किए हैं जो जनरली हमें सभी जीवों में देखने को नहीं मिलते। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट। तो बच्चों जो कैमल है उसने अपनी टांगे बड़ी कर ली हैं, मतलब अपने आप से नहीं कि नेचर ने उसकी टांगे बड़ी कर दी हैं, ताकि जब वो रेत पर, गर्म रेत पर चले तो उसकी बॉडी को हीट ना लगे। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज़ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। तो जितना भी वो पानी अपने अंदर स्टोर करते हैं तो वह ना तो उनका पानी यूरिन में वेस्ट होता, भी यूरिन के थ्रू निकलता, ना उनका जो डंग होता है, एक्सक्रीटा होता है, वह भी बहुत ड्राई होता है और उनको कभी पसीना नहीं आता। सिंस कैमल लॉस वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, तो वह अपनी बॉडी से बहुत कम पानी बाहर निकालते हैं। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, और वो बहुत दिनों तक बिना पानी के भी जी सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। अब हम बात करते हैं समुंदर में रहने वाली फिश की। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3। तो 9.3 फिगर में फिशेज को दिखाया भी गया है, आप देख भी सकते हैं। 9.2 में कैमल है और 9.3 में फिश हैं। तो बच्चों देर आर सो मैनी काइंड ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। तो फिशेज आप किसी भी प्रकार के ले लें, चाहे छोटी चाहे बड़ी, तो उनकी एक ही कॉमन शेप आपको देखने को मिलती है। उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, दैट इज स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर उन्हें पानी में तैरने में मदद करती हैं, जस्ट लाइक दैट। तो इस स्ट्रीमलाइन बॉडी का उन्हें बहुत फ़ायदा होता है और यह उन्हें समुंदर में रहने योग्य बनाती है। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इन साइड वाटर। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। तो उसके साथ ही बच्चों जो उन फिश होती है उसकी सारी बॉडी के ऊपर स्केल्स देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक दैट। अब इन स्केल्स का क्या फ़ायदा है? दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर। एक तो ये फिश को बचाते हैं, जब भी अगर आप फिश को पकड़ना चाहें तो वह आपके हाथों से फिसल जाती है ड्यू टू दिस स्केल्स, और दूसरा वो मूवमेंट इजी बनाते हैं वाटर के अंदर मछलियों की। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। तो अगर हम बात करें फिश की, तो आपको पता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फिश, ये फिश की टेल होती है, दिस आर कॉल्ड फिन्स, जिनको वो चप्पू की तरह चलाकर तैरती है। तो ये टेल होती है, टेल डायरेक्शन लेने में मदद करती हैं। फिन्स ये आप देख सकते हैं साइड में, ये फिन्स होते हैं जो मछली को तैरने में हेल्प करते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। अभी सभी को पता है कि हम सीधा जो ह्यूमन बीइंग्स है वो सीधा हवा से एयर लेते, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, सीधा एयर से। लेकिन जो पानी में रहते हैं वो सभी जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल, उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, तो उन ऑर्गन्स को कहते हैं गिल्स। तो आपने कभी देखा है कि जैसे सारी बॉडी पर तो स्केल्स होते हैं, ये मछली की टेल हुई, ये फिन्स हुए, तो यहाँ पर आपको मछली के गलफड़े, जिसे हम गिल्स कहते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे जो ओपरक्यूलम नामक स्ट्रक्चर से ढके होते हैं, ठीक है, ढके होते हैं ओपरक्यूलम। अभी आपके लिए टर्म नहीं है, अभी आप इसको छोड़ दें, फिलहाल ये समझे कि गिल्स मछली के दोनों साइड मुंह के पास प्रेजेंट होते हैं।
We see that the feature of fish help it to live inside water and the features of camel help it to survive in a desert. तो ये दोनों ही characters इन दोनों जीवों को अलग अलग area में रहने योग्य बनाते हैं. We have taken only two example from a very wide variety. तो अगर हम बात करें तो हमने धरती के दो ऐसे जीवों को लिया जो बहुत ही अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं. इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लाइव इन द सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड. द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिटेट विच एनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन. तो बच्चों यही बात आपको डायरेक्ट बता दी गई है विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन अडेप्टेशन. क्या होता है कि जब नए करेक्टर ऐड होते हैं स्पेसिफिक फीचर अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट या हैबिट तो जिस भी एनिमल में ऐड होंगे तो और वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अडेप्टेशन. तो डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज. तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो डिफरेंट तरह के जीव हैं वो अपनी सराउंडिंग में घुल मिल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक फीचर्स. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज हैबिटेट. द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. कोई भी जगह जहाँ पर कोई भी लिविंग बींग रहता है, जहाँ से उसे खाना पानी हवा सब कुछ मिलता है, वह उसका हैबिटेट है. द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड वाटर एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट. अब हैबिटेट मीन्स अ डवेलिंग प्लेस. तो हैबिटेट ऐसी जगह है जहाँ कोई भी जीव रहता है. सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट. कई बार क्या होता है कि कोई भी जंगल है जैसे, वहाँ पर एक सेम हैबिटेट को एक पेड़ भी शेयर कर रहा है, एक छोटा पौधा भी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी वहाँ देखने को मिल रहे हैं. तो एक ही हैबिटेट को कई बार एक से ज़्यादा जो जीव हैं वो शेयर कर रहे होते हैं. द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेट टू लिव इन अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. तो बच्चों जो जीव धरती के लैंड एरिया पर रहते हैं, क्योंकि पानी में रहते हैं, कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ हवा में भी, तो जो लैंड पर रहते हैं उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट कोस्टल एंड माउंटेन रीजन. तो धरती पर ऐसे कौन से एरिया है जैसे कि जंगल हो गए, घास के मैदान हो गए, रेगिस्तान हो गए, कोस्टल एरिया जहाँ पर समुंदर होते हैं, पर्वतीय एरिया को हम माउंटेन रीजन कहते हैं. ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट. तो अभी हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ चुके हैं, जो धरती पर जो लैंड एरिया है उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाता है और जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाता है. पानी का जो इन्वायरमेंट है उसे एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं. उदाहरण के लिए तालाब हो गए, स्वैम्स हो गए, लेक्स रिवर्स ओशियंस. लेक्स रिवर्स ओशियंस मीन्स समुंदर, नदियाँ, झरने. तो इस तरह से ये एक्वेटिक हैबिटेट है. देर आर लार्ज वेरिएशन इन फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट कोस्टल माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्वेटिक हैबिटेट्स एज वेल. तो यहाँ पर जैसे आपको अलग अलग वेरिएशन दिख रही है कि जंगल में अलग तरह के एनिमल होंगे, जो ग्रासलैंड में स्पेशली आपको ऐसे एनिमल होंगे जो हर्बीवोरस हैं, और डेजर्ट में आपको ऐसे एनिमल मिलेंगे जो गर्म इन्वायरमेंट में रह सकते हैं. तो इस तरह से एक्वाटिक हैबिटेट में भी आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे. तो बच्चों आज के लिए इतना.